देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ 2 साल से चल रहा तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज 4 धाम तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद तीर्थ पुरोहितों ने आगामी 30 अक्टूबर तक आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है। सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया है कि देवस्थानम बोर्ड की समीक्षा के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और इसके बाद सरकार राज्य हित में जो सबसे अच्छा होगा वो निर्णय लेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कमेटी में 4 धामों से 2-2 तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब देवस्थानम बोर्ड की समीक्षा करने वाली हाई पावर कमेटी में 8 सदस्य तीर्थ पुरोहित समाज के भी होंगे। सौभाग्य है, बहुत ही ऊर्जावान माने मुख्यमंत्री जी, जिनके अंदर मुझे लगा आज पूरी ऊर्जा से भरे हुए, आज उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और हम सब लोग उनके पास गए। माने भट्ट जी किशोर भाई के बड़ा सानिध्य हमारे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग उनको मिले माने मुख्यमंत्री जी को, 4 धाम के लोग। और माने मुख्यमंत्री ने स्पष्ट ये बात रखी कि जो हाई पावर कमेटी बना रखी है उसमें आपके लोगों 8 लोगों को आए मेंबर बने और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे, और हमने भी उनको आश्वासन दे दिया कि उसी समय हमने बता दिया कि हम 4 धाम में अपनी जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हमारा आंदोलन है, उसको हम स्थगित करते हैं और 30 तारीख तक, नवंबर तक, अक्टूबर तक जो है वो हम उसको स्थगित रखेंगे और मुझे लगता है तब तक सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि ऊर्जावान मुख्यमंत्री है और इतना समय देने वाला मुख्यमंत्री, इतना सूझबूझ वाला मुख्यमंत्री मुझे निश्चित तौर पे मिले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 धामों की मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी के उसमें बुलाई थी और जिसके उसमें एक सकारात्मक माहौल में सब बातचीत हुई और इस माहौल में, इस बातचीत में जो सामने निकल कर आया उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुलझा दिया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल होगी और कुछ ना कुछ इसमें निकल के आएगा। आपको बता दें कि सरकार ने 4 धामों के विकास के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है, लेकिन इसके गठन से ही तीर्थ पुरोहित समाज विरोध कर रहा है। 4 धाम के पंडा पुरोहितों का कहना है कि 4 धामों का प्रबंधन सरकार अपने हाथों में नहीं ले सकती। पुरोहितों के विरोध के बाद सरकार ने देवस्थानम बोर्ड की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।